पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का महामहिला सम्मेलन आज पंचायत भवन सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर पूजा कपिल मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा रही। मुख्य अतिथि डॉक्टर रश्मि रावल, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा कार्यक्रम में मौजूद रही। महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा और विधानसभा प्रभारी मोहन लाल सैनी भी मौजूद रहे। लाभार्थी महिलाओं को बूथ वाइज आमंत्रित किया गया, जिसमें कार्यक्रम में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के अंतर्गत भाजपा की प्रचंड जीत के लिए महिलाओं का संकल्प लिया गया। साथ ही साथ आज से डोर टू डोर महिला संपर्क अभियान शुरू होने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुसार 2022 के इलेक्शन में सर्वाधिक महिलाओं से सहयोग की अपील का संदेश महिलाओं तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम में अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित ने की, संचालन रंजना शर्मा, उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। कार्यक्रम की संयोजक के रूप में प्रीति कश्यप, उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। रचना अग्रवाल से कार्यक्रम सह संयोजक, कार्यक्रम की प्रमुख वरिष्ठ भाजपा नेता मदालसा शर्मा रही। कार्यक्रम में प्रदेश सदस्य शशि चौहान और गीता शर्मा भी उपस्थित रही। क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनीता चौहान, जिलाध्यक्ष आदेश चौधरी, निवर्तमान महिला मोर्चा अध्यक्ष अंजू लोचव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता भी कार्यक्रम में उपस्थित रही। बिल्कुल बच चुका है और ये महिला सम्मेलन जो आदि आबादी मातृशक्ति इन चुनावों में अपनी भूमिका को निभाते हुए पूरा महिला मोर्चा ये भारतीय जनता पार्टी का इनसे बात करने, इनसे मिलने, अपनी बात पहुंचाने, क्योंकि ये आदि आबादी ही घर घर तक पहुंचती है, बात करती है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने और योगी जी ने जिस तरह से विकास की एक रफ्तार को एक नई ऊर्जा नई गति दे रखी है, उस बात को और घर घर तक पहुंचाने के लिए आज बस मिलने मिलाने बात करने के लिए हम लोग आए हैं और कमल के फूल की बात करने की किस तरह उत्तर प्रदेश में ये मातृशक्ति कितने कमल खिलाकर मोदी जी तक पहुंचाएंगी योगी जी के माध्यम से, इसके लिए हम सारे लोग एकत्रित हुए हैं पूरा महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश में किस स्तर पर अभियान चला रही हैं महिलाओं को एकजुट करने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करने वाली पार्टी है। ये कोई हम केवल चुनावों में एक्टिव रहते, हमारा महिला मोर्चा, हमारी पार्टी संगठन 24 घंटे काम करने वाले संगठनों में से है और निरंतर हम लोगों तक बात पहुंचाते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका सीधा सा संदेश होता है, हम एसी रूमों की राजनीति नहीं करते, हमें जनता के बीच उतरकर हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हमें अंत्योदय को देखते हुए अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का काम करना है। तो भारतीय जनता वो पार्टी है जो निरंतर काम करती है, जो जनहितैषी योजनाएं जितनी भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की हो उनको लोगों तक पहुंचाने का कार्य करने का काम निरंतर ये संगठन करता रहता है और करता रहेगा, क्योंकि इस संगठन का मूल भाव राष्ट्र सेवा करना है। और ये सारे जो सेना दिख रही है आपको, पूरे सैनिक है, ये राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहने वाले लोग हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारे यहाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा इलेक्शन हमारे यहाँ लगभग कंप्लीट बेस में आ गए हैं और बहुत जल्दी हमारा अगले माह में इलेक्शन है। इलेक्शन के अंतर्गत हम लोगों के जो बड़े बड़े कार्यक्रम अभी तक महिला मोर्चा महानगर में कर रहा था, अपना एक अनूठा परचम लहरा रहा था, उन कार्यक्रमों को हम बड़े वालों को विराम देते हुए संपर्क अभियान में आज से हमारी बहनें जुटेंगी। संपर्क अभियान में हम लोगों को, समस्त बहनों को महानगर की डोर टू डोर संपर्क करना है, जो हमारे वोटर्स हैं उनको घर घर जाके जगाना है और वापस भाजपा सरकार के लिए लाने के लिए एक इतने अच्छे सुशासन वाले योगी जी को पुनः वापस लाने के लिए बहनें तन मन धन से डोर टू डोर संपर्क करके उनको, अपने जितने भी हमारे वोटर्स हैं उनको अग्रेसिव करेंगी, उनको घर घर जाके जगाएंगी। ये आज से कार्यक्रम हमारा शुरू होगा। तो जो महासम्मेलन और सम्मेलन और छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोगों ने कमल शक्ति संवाद के अंतर्गत जो चौपालें लगाई, बहुत सारी पंचायतों के अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने चौपालें लगाई, उन सभी को आज विराम देने के लिए हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी यहाँ पे आई हैं और वो बहनों को संबोधन यहाँ से करेंगी कि हर घर से कमल किस तरह से खिलेगा, उन सभी के बारे में आज यहाँ पे चर्चा होगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।